हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे अगेन अपने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन एंड वी विल कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन बाय सीइंग द पैटर्न क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर एंड जिस तरह से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बाकी पर भी हमारे अप्लाई होते हैं, बाकी राइटर्स में, बाकी वर्क्स पर भी। एंड 20 एमसीक्यू रहेंगे इस लेसन में, इंपॉर्टेंट फॉर एनवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। कोटेशन से क्वेश्चन हमारा आना ही है। और ये किसने लिखा है ये लाइन? तो जॉन कीट्स ने लिखा है अगेन। तो जॉन कीट्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई हैव लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। कीवर्ड हमें इनका कैच कर लेना होता है, हमको ये लाइन्स जल्दी से अगर क्लिक नहीं हो पाती हैं तो आप देखिए ब्यूटी इन ऑल थिंग्स को आप ले लेंगे, हर कहीं ब्यूटी देखते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की बात कर लेते हैं, 1795 टू 1821 इनका लाइफ स्पैन है। अगर आप हर क्वेश्चन के साथ उसमें आने वाले राइटर का लाइफ स्पैन कैच करते चलेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये सारे ईजिली लर्न हो जाएंगे। ओके एंड नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा जॉन कीट्स का, तो ये स्पेशली जो फेमस थे इनका जो वर्क का टाइप था, इमेजरी एंड ग्रेट सेंशुअसनेस इनके वर्क में हमको देखने को मिलता है, सेंशुअसनेस एंड इमेजिनेशन दोनों ही। तो ओड टू द नाइटिंगेल का ये लाइन है, हमें स्पेशली याद रखना है दिस लाइन्स ऑफ विच पोएम, ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी जेम्स हैज़ डिस्क्राइब्ड अ स्टोरी ऑफ वेल्थ कल्चर्ड अमेरिकन लिविंग इन यूरोप इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। अमेरिकन यूरोप में किस तरह से रहते हैं, उनकी स्टोरी वेल्थ की, कल्चर की हेनरी जेम्स ने कहाँ बताई है, इनमें से किस वर्क में? दैट इज़ द गोल्डन बाउल, द गोल्डन बाउल। तो गोल्डन हाउस किसका है? सलमान रश्दी जी का है। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ का है। एंड गोल्डन बाउल आ गए अब हेनरी जेम्स, इम्पॉर्टेंट है हेनरी जेम्स के बारे में। अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर है। देखिए इनके इनके वर्क में भी वही कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है, अमेरिकन की लाइफ यूरोप में कैसी है वो इन्होंने अपने इस नॉवल में बताई है गोल्डन बाउल में। किसने? हेनरी जेम्स ने। तो ये जो हेनरी जेम्स हैं ये अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर हैं, जन्म इनका अमेरिका में हुआ था, खुद ये ब्रिटिश में रहे तो वही इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। एंड ये जो वर्क है गोल्डन बाउल बाय हेनरी जेम्स, इनका लाइफ स्पैन देख लेंगे हेनरी जेम्स का, 1843 to 1916। ओके, अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर, आपको नाम याद रखना है गोल्डन बाउल। गोल्डन से बहुत हो गए, दो तीन आ गए अभी अभी में। अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू द क्रिश्चियन फेथ स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग इज नोन एज। एक पर्सन उसको हम क्या कहते हैं जो कन्वर्ट कर देता है अदर्स को टू द क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना दूसरों को क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस के फेथ में, स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग। और किस तरह से? पब्लिकली प्रीच करके, उपदेश देकर लोगों को क्रिश्चियन बना देना, उनको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज द एन इवेंजलिस्ट, इंपॉर्टेंट है ये इवेंजलिस्ट वर्क। नेक्स्ट वन इज फ्रैंकस्टीन अ गॉथिक रोमांस वॉज रिटन बाय फ्रैंकस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये मैरी शैले जी ने लिखा था, वाइफ ऑफ पीवी शैले है ये मैरी शैले। इनका ये एक बहुत ही फेमस वर्क रहा फ्रैंकस्टीन। और ये कैसा है? गॉथिक रोमांस है। गॉथिक मीन्स होता है हॉरर स्टोरी, हॉरर नॉवल, तो ये हॉरर नॉवल कह सकते हैं, गॉथिक नॉवल या गॉथिक रोमांस। फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शैले पब्लिश हुआ है 1818। अगेन फ्रैंकस्टीन जो पब्लिश हुआ है 1818 में, और मैरी शैले जो कि वाइफ ऑफ पीवी शैले है, इनका लाइफ स्पान है 1797 to 1851। 1850 वर्ड्सवर्थ का है उनके एक साल बाद, 1851। मैरी शैले फ्रैंकस्टीन, इनका यही एक वर्क है, ज़्यादा वर्क नहीं पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, वहीं से इनका क्वेश्चन बन गया। डैश अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर के कई प्लेस में हमको मिलता है, कॉमन कैरेक्टर उन्होंने एक मान लिया और वो हर प्ले में फिट कर देते हैं कॉमेडियन कैरेक्टर। आज भी ऐसे ही होता है, हमारे मूवीज़ में भी होता है, जॉनी लीवर हर मूवीज़ में मिल जाएंगे लाइक, लेकिन हाँ नाम अलग होता है, पर यहाँ यही नाम मिलेगा, सर जॉन फॉलस्टफ इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, अगेन मैं बता दूँ कॉमिक कैरेक्टर है और कई प्लेस में मिल जाता है, इसको हम कह सकते हैं फिक्शनल कैरेक्टर। और ये थ्री प्लेस में अपियर हुआ है, शेक्सपियर के थ्री प्लेस में मिल जाएगा हमको, हेनरी फोर के पार्ट वन में एंड पार्ट टू में एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, उसमें तीन प्लेस हैं जो शेक्सपियर के जिसमें हमको ये सर जॉन फॉलस्टफ अ फिक्शनल कैरेक्टर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
La Bella Dame Sans Merci is a poem depicting love between a knight and a fairy. The poem is written by एक knight और fairy के बीच में love को depict करता है La Bella Dame Sans Merci. और ये किसने लिखी है ये poem? Important है ये question. John Keats is the poet of this poem. John Keats. अब ये जो नाम है ना इसका, इस poem का अजीब सा, इसका meaning भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. La Bella Dame Sans Merci का meaning ये है, the beautiful lady without mercy, the beautiful lady without mercy. ओके, और ये एक ballad है, ballad लिखा है ना, तो ये ballad है. इस poem का literary form क्या है? Ballad. Ballad में कहानी type सुनाते हैं. And इसके बाद कर लेते हैं publishing की. तो ये पब्लिश हुआ था 1819 में, ये जो ballad है, ये work है जॉन कीट्स का, 1819 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करे इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण्स फिक्शनल विलेज मालगुड़ी इज सिचुएटेड इन मैसूरू. तो ये जो इन्होंने मालगुड़ी करके जो फिक्शनल विलेज हर अपने नॉवल में यूज़ किया है, एक्चुअल में नहीं है, दैट इज़ फिक्शनल. मनगढ़ंत विलेज जहाँ इनकी नॉवल की स्टोरीज चलती हैं, कहानी, तो उसको कहाँ बताया है इन्होंने? मैसूर में है, तो फिक्शनल बट सिचुएटेड कहाँ बताया? मैसूर में. तो आर के नारायण जी, इंपॉर्टेंट राइटर, राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका फुल नेम हमेशा से पूछ लिया जाता है, मैसूर में इन्होंने ये बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स बाय अनीता देसाई वॉज चूजन फॉर द बुकर प्राइस. ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हमारे पास आंसर है वो है फास्टिंग द फीस्टिंग. इनके एक्चुअली दो नॉवल बुकर प्राइस के लिए क्या हुए थे, चूज़ किए गए थे, तो जिसमें से फास्टिंग एंड फीस्टिंग को 2000 में किया गया था स्टूडेंट. और ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे है ये 1980 में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, इसीलिए क्लियर लाइट ऑफ डे मिल जाए तो उसका ईयर देख लेना वो कब शॉर्ट लिस्ट हुआ था. और इसीलिए यहाँ जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि इन्होंने ये सन लिखकर पूछा है, ईयर 2000, दो सन 2000 में कौन सा जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ था बुकर प्राइज़ के लिए अनीता देसाई का वर्क, वो है फास्टिंग द फीस्टिंग, फास्टिंग एंड फीस्टिंग. अनीता देसाई मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की. साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 1978 में, एंड इनको पद्म भूषण मिला है 2014 में, इम्पॉर्टेंट. और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको जो 1978 में मिला है, 1978 में, वो मिला है फायर ऑन द माउंटेन वर्क के लिए, फायर ऑन द माउंटेन 1978, अनीता देसाई साहित्य अकेडमी अवार्ड. इनका जो लाइफ स्पैन है अनीता देसाई जी का, 1937 में इनका जन्म हुआ है, एंड शी इज़ अलाइव नाउ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वॉज कमेमोरेटेड बाई शेले इन हिज एलजी डैश. देखिए, शेले ने जॉन कीट्स की डेथ पर एक एलजी लिखी, एलजी यानी दुख गीत, शोक गीत, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है. तो पी बी शेले ने जॉन कीट्स की मृत्यु पर कौन सा एलजी लिखा? दैट इज एडोनाइस. पेस्टोरल एलोजी है, एलजी है, ध्यान रखना है, पेस्टोरल एलजी है. 1821 में पब्लिश हुआ था ये वर्क बाय पी बी शेले, एलजी फॉर जॉन कीट्स. इंपॉर्टेंट है एडोनाइस, एडोनाइस किसने लिखी है? पी बी शैले ने लिखी है. देखिए, इसके लास्ट में एस आता है, एस, एस से शैले, क्योंकि कीट्स और शैले का कनेक्शन है, पर भूल जाते हैं किसने किसके लिए लिखी है. शैले ने लिखी है फॉर जॉन कीट्स. लास्ट, नेक्स्ट वन इज, लिरिकल बैलाड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिरिकल बैलाड को, अगर आप देखेंगे आप, इससे कम से कम आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वन पेज टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट. तो ये एक बैलाड वर्क है, एंड ये जो लिखा किसने है, तो ये कंबाइंड रूप से लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी ने, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इसमें, ठीक है. लिरिकल बैलाड एक पोएम कलेक्शन है, और इसमें दोनों के ही पोएम्स एक साथ पब्लिश हुए थे. लिरिकल बैलाड पब्लिश्ड इन 1798, और इसी साल से 1798 जिस वक्त ये रिलीज हुआ था तभी से ही रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग मानी जाती है, और वर्ड्सवर्थ और कॉलेज इसको स्टार्ट करने वाले माने जाते हैं. मोबी टिक और द वेल बाय हरमन मेलविल, ठीक है, ये जो वर्क है द हेल, द वेल और मोबी टिक, या दोनों टाइटल एक ही वर्क के हैं, और किसने लिखा है? हरमन मेलविल. पब्लिश्ड इन 1851 इज व्हाट. तो ये इसका जैनर पूछ लिया गया है, एक वर्क का नेम बता के उसके ऑथर भी बताए गए हैं, उसका सिर्फ जैनर पूछा गया है वो है क्या. सो द करेक्ट आंसर इज नोवेल. ये एक नोवेल वर्क है स्टूडेंट्स.
एंड पब्लिश कब हुआ था ये वर्क, 1851 में। और हरमन मेलविल है, ये हमारे अमेरिकन ऑथर हैं। इनका लाइफ स्पैन है 1819 to 91। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ रिनाइसा इन यूरोप वॉज एन एंथुजियास्टिक पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चरल आर्टिस्टिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिबर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। यूरोप में रिनाइसा किस सेंचुरीज के ड्यूरेशन में फ्लॉरिश हुआ? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रिनाइसा। देखिए हम लोग बात तो करते ही हैं इसकी, यहाँ स्पेशली इन्होंने यूरोप का पूछा है, क्वेश्चन ऐसे ही क्लिक करते हैं। 14th to 17th century द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिरिकल ड्रामा हेलास रिटन बाय पी वी शेली वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। सो द करेक्ट आंसर इज द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन, या फिर हम कह सकते हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए हेलास बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पी वी शेली बहुत फेमस है, तो इनका अगर लिरिकल ड्रामा का क्वेश्चन बन रहा है दैट इज हेलास। हेलास लिरिकल ड्रामा है, इसको हम वर्स ड्रामा भी कह सकते हैं, पोइटिक ड्रामा भी कह सकते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? तो ये ग्रीक वॉर हुआ था, जो ग्रीक का ग्रीस जो कंट्री है, तो ग्रीक वॉर जो लिबरेशन के लिए हुआ था, इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे हमारे इंडियन वॉर हम पढ़ते हैं ना आज़ादी का, तो जो ग्रीक वॉर हुआ था उस पर बेस्ड है ये इनका लिरिकल ड्रामा हेलास। पब्लिश कब हुआ था? 1822 में पब्लिश हुआ था। इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि ये इनका लास्ट पब्लिश पोयम है, जो लिरिकल ड्रामा जो है ना, पोइटिक वर्क है इनका, तो ये लास्ट, क्योंकि 1822 में ही पी वी शेली का जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं 1792 से लेकर 1822 इनका लाइफ स्पैन है, तो जिस ईयर इनकी डेथ हुई थी उसी साल इनकी डेथ से पहले ये पब्लिश हो गया था ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, सेम ईयर है डेथ का और पब्लिशिंग का, पर पोस्टमॉर्टम पब्लिश नहीं हुआ था, इनके जीते जी ही पब्लिश हुआ था हेलास। अब हेलास एक्चुअली है क्या? ये वर्ड जो है हेलास, एंशियंट ग्रीक नेम फॉर ग्रीस, जी हाँ, जो ग्रीस कंट्री है उसका जो पुराना नाम है हेलास, जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ग्रीस कंट्री का पुराना नाम, प्राचीन नाम, एंशियंट ग्रीक नेम है हेलास, जिसके वॉर के लिए, जिसकी आज़ादी के लिए जो लिखा गया था इन्होंने, पी बी शैले ने, लिरिकल ड्रामा। एक उससे ना जितने पॉइंट खींच सको, जहाँ जहाँ तक आपकी अवेयरनेस जाती है ना उतने क्वेश्चन हम ले सकते हैं। जी हाँ, द वर्ड ब्लिथ इन इंग्लिश पोइट्री सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। पोइट्री में ऐसे कई वर्ड आते हैं, दो है ना, दो ब्लिथ, तो ये वर्ड ब्लिथ का मीनिंग पूछा गया है, दैट इज़ हैप्पीनेस एक्चुअली। और इसका एक और सही रूप है BLISS, ब्लिस मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं ये ब्लिथ मीन्स भी हैप्पीनेस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इन अनोन इंडियन इज रिटन बाय नीरद सी चौधरी। सी इज़ फॉर चंद्रा, नीरद चंद्र चौधरी। ओके, 1897 से लेकर 1999 इनका लाइफ स्पैन है, 1897 से 1999 इनका लाइफ स्पैन है। नीरद सी चंद्रा, नीरद सी चौधरी कितना कन्फ्यूजन। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी 1951 में पब्लिश हुई थी, ये इनका मास्टरपीस कहलाती है, और ये डिवाइडेड इनटू फोर बुक्स, ये जो ऑटोबायोग्राफी है चार बुक्स में डिवाइड है, इनकी लाइफ के फोर एस्पेक्ट हैं। मैंने इसको कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, आप लोग वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। नीरद सी चौधरी का वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो वो अननोन कौन है? नीरद सी चौधरी जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज, आंसर इज मेलोड्रामा। देखिए ट्रेजेडी का एक अलग ही रूप है ये, तो उसके बारे में पूछा गया है मेलोड्रामा। अब मेलोड्रामा में क्या होता है ये पहले तो देख लें, विक्टोरियन एरा में बहुत फेमस था, इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग थिंग्स होती हैं, और जिसमें कि लोग जो है ना प्रेस करते हैं पीपल्स के इमोशंस को एक्चुअली ट्रेजेडी में, तो ये एक मेलोड्रामा है, डीवियस ट्रेजेडी है, जिसको कि हम लोग मेलोड्रामा से जानते हैं। विक्टोरियन एरा में ये पब्लिश था, पॉपुलर था, सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाई टू इन्फ्लुएंस, ब्यूटी एंड फेयर। फोस्टर्ड मीन्स होता है बढ़ावा देना, जो ग्रो हुआ था इनका ग्रोथ कैसे हुई थी, तो वो थे इनके ब्यूटी एंड फेयर, इन दोनों से ही, इनमें से ये ऐसा मानते हैं, वो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ब्यूटी और फेयर दोनों से ही इनको
टू इन्फ्लुएंस थे जिसको इनको ग्रोथ हुई थी इनकी, दैट इज़ ब्यूटी एंड फियर, ऐसा इन्होंने अपना माना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज हु टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट. देखिए इसमें जो मोस्ट फेमस, जो मेन कोटेशन फेमस रहती है इसको और यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, वो है हमारी, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज टेल दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट. तो ये मेन है कोटेशन जो बहुत फेमस है. तो ये है कहाँ से, ये पी बी शैले का वर्क है टू आई स्काईलार्क, वहाँ से ली गई है. इंपॉर्टेंट है टू आई स्काईलार्क, पब्लिश हुआ था ये वर्क 1820 में बाय पी बी शैले, जहाँ से ये फेमस कोटेशन ली गई है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इंग्लिश लिटरेचर मिरेकल प्लेस डील विद द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मिस्ट्रीज विद सम थीम्स टेकन. देखिए हमने इतने अभी जो 20 क्वेश्चन देखे उसमें हमने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी देखा, अमेरिकन भी टच की. इंग्लिश लिटरेचर तो है ही, पी बी शैले, जॉन गिट्स लगातार चल रहे हैं. अगेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, मिस्ट्री, एलिजी, बैलेड, उनको भी कवर किया जा रहा है. बिल्कुल हर आस्पेक्ट को हमको लेके चलना होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट लगाएं, ना केवल इधर, हमेशा से अपने पास भी जो बुक्स कंटेंट है उनसे भी. तो देख लेते हैं इस आंसर को. लिटरेचर में जो मिरेकल प्ले होते हैं वो लाइफ ऑफ सेंट एंड मिस्ट्रीज से डील करते हैं, और वो लाइफ ऑफ सेंट टेकन फ्रॉम द बाइबल. बाइबल की जो कहानियाँ होती हैं वो मिरेकल प्ले में स्पेशली होती हैं. आपको बाइबल वर्ड याद रखना है, मिरेकल, चमत्कार, और बाइबल, ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट ऑफ ईडन अ नॉवल पब्लिश्ड इन 1952 वॉज रिटन बाय. ईस्ट ऑफ ईडन ये जो नॉवल है किसने लिखा था, जॉन स्टीन बैक ने. अगेन देखिए नोबेल प्राइज़ विनर है ये, 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. अमेरिकन ऑथर है, अमेरिकन नोबेल प्राइज़ विनर जॉन स्टीन बैक का ये जो वर्क है ईस्ट ऑफ ईडन नॉवल पब्लिश हुआ था 1952 में. ओके, जॉन स्टीन बैक को नोबेल प्राइज़ 1962 में मिला था, और पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है इनको फॉर फिक्शन 1940 में. तो ये भी ध्यान रखना है हमको. और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव राइटिंग्स, जॉन स्टीन बैक, क्योंकि ये अलग नाम है और लेकिन नोबेल प्राइज़ विनर है तो इम्पोर्टेंट भी है. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 80. वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी. देखिए हम शेक्सपियर का वर्क देखते हैं तो सबसे पहले उसका जेनर भी पूछ लिया जाता है, अगर बहुत कॉमन पूछना होता है तो इसका जेनर क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, या ट्रेजी कॉमेडी है. लेकिन यहाँ बात चल रही है कॉमेडी की, साथ में डार्क कॉमेडी की, वो भी कैसी, डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी. वो कौन सा वर्क है इनका, दैट इज़ मेजर्स फॉर मेजर्स. मेजर फॉर मेजर इज़ द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. डार्क कॉमेडी को ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, और मतलब इस कॉमेडी का एक अजीब ही रूप दिखाते हैं कि आप हंसने से पहले भी बस सोचें लाइक थोड़ा सा. इसका मैंने कम्युनिटी में मैं पोस्ट किया है, आप लोग उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि डार्क कॉमेडी क्या होता है. ये एक जनर होता है हमारा लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के तहत, और विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है मेजर फॉर मेजर इट इज़ अ कॉमेडी. नॉर्मल पूछ लिया जाए कॉमेडी है, लेकिन अगर ज़्यादा डीप जाए तो डार्क कॉमेडी, डार्केस्ट ऑफ द डार्क उसको एक संज्ञा दी गई थी, इसीलिए ऐसा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स. तो आई होप कि ये आपके सारे लेसन्स जो भी मैं बना रही हूँ आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी. हेल्प के साथ साथ थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करें कि आप लोग इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको नीड है. ठीक है, सीट तो सभी को मिल जाएगी, सभी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप लोग पहुँचाएँगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बताइए. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. जय हिंद.